देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों काफी खुश हैं। खुशी की वजह है झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली जीत। महागठबंधन की वहां सरकार बनने वाली है, इसको लेकर लगातार वो बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बिहार में भी करारा जो हार है वो एनडीए को मिलने वाला है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। हर बार सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए काफी चीजें जो है विचार का सौदा, सिद्धांत का सौदा, नीति से सौदा, किसी से भी इन्होंने हाथ मिलाया हो, चाहे कितना बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अपने फायदे के लिए और जनता को हमेशा धोखा देने का काम किया। तो अब जनता जो है नीतीश कुमार जी के झांसे में, और ये जो स्क्रिप्ट जो लिखी है नीतीश कुमार जी ने कि एनआरसी में और सीए में कैसे भूमिका होगी, जनता अब इनके नौटंकी को, इनके ड्रामा को बड़े अच्छे से पहचान गई है। इनका जो सेक्युलरिज्म का, जो धर्मनिरपेक्षता का जो चोला ओढ़े हुए थे, ये उजागर। तो आपने सुन लिया, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कुर्सी के लिए किसी भी चीज से भी वो समझौता कर सकते हैं। साथ ही साथ एनआरसी और सीएए मामले को लेकर भी उन्होंने एक बार फिर से उन्हें घेरने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर अक्सर आक्रमण जो है आक्रामक रूप अख्तियार करते रहते तेजस्वी यादव। भले ही तेजस्वी यादव इन दिनों रांची में हैं, रांची में शिवू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उन्हें शुभकामना देने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने विशेष बातचीत की मीडिया से और उन्होंने जोरदार जो है बिहार सरकार पर निशाना साधा। ये भी कह दिया कि बिहार में भी अब राजद का परचम लहराने वाला है, बिहार में भी महागठबंधन की जीत होगी। तो देखने वाली बात है कि इस बयान के बाद जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, और इन तमाम बातों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।